हेलो गाइस, वेलकम टू यू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर उसके सिलेबस से लेकर आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एनालाइजर ऐप के बारे में। यदि इस ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए इसे डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में सीएमओ के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अच्छे डिस्क्रिप्टिव के साथ प्रोवाइड करती है और इसमें एसआई का भी टेस्ट सीरीज आने वाला है। हाल ही में हुए पीएससी के एग्जाम में इससे 32 क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे गए थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइए इसे डाउनलोड कीजिए। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा नहीं गया है कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, इसमें पूछा गया है रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे। तो रायपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक थे केशव देव। कौन थे? केशव देव, नाम याद रखिए। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गांधी जी का छत्तीसगढ़ में हरिजन यात्रा कौन से सन में हुई थी, ये हुई थी नवंबर 1933 में, किस दूसरी बार आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पूरी तरह कब आया, तो आया था सन 1854 को। 1854 को छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में पूरी तरीके से आ गया था, की पॉइंट है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की स्थापना, ये हुई थी सन 1000 ईस्वी में। और ये भी याद रखिए, कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक राज किया, और कब से कब तक राज किया, तो 1000 ईस्वी से ये 1741 ईस्वी तक कलचुरी वंश ने राज किया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे, तो अंतिम मराठा सूबेदार थे यादवराव दिवाकर, नाम याद रखिए, यादवराव दिवाकर अंतिम मराठा सूबेदार, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ पे। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल कालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। मुगल कालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे, ये हुए थे बानबरस से। कहाँ से? बानबरस से। देखिए मलार से भी प्राचीन चीन बहुत से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मुगल कालीन सिक्के बानबरस से प्राप्त हुए थे, याद रखिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, नरबलि प्रथा किसके शासन काल में प्रचलित थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नरबलि प्रथा किसके शासन काल में प्रचलित थी, इसका आंसर है मधुरातक देव। किसके शासन काल में? मधुरातक देव के काल में नरबलि प्रथा बहुत क्या थी, प्रचलित थी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता कौन है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दाता है श्यामलाल सोम। कौन थे? श्यामलाल सोम, याद रखिए जंगल सत्याग्रह, इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मूरिया विद्रोह हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूरिया विद्रोह, हलबा विद्रोह, तारापुर विद्रोह या मेरिया विद्रोह, इन सभी विद्रोह कब हुए थे, उसके अगुवाई किसने की थी, कौन से सन पे हुए थे और किस स्थान से स्टार्ट हुआ था, ये सब आप अच्छे से याद रखिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मूरिया विद्रोह, ये हुआ था सन 1876 में, कहाँ पे, 1876 पे। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन बने, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार बने महिपत राव दिनकर, ये भी नाम याद रख लीजिए, महिपत राव दिनकर कौन थे, प्रथम मराठा सूबेदार। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में कितने रंग हैं, देखिए राज्य चिन्ह जो छत्तीसगढ़ का लोगो होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें कितने चिन्ह हैं, कितने प्रकार की आकृति बनी हुई है, क्या क्या चिन्ह हैं, तो इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह में कितने रंग हैं, तो उसके राज्य चिन्ह में 5 रंग है और उसके लोगो को आप अच्छे से देख लीजिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कमिश्नरी प्रणाली कब समाप्त की गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमिश्नरी प्रणाली कब समाप्त की गई थी, यह की गई थी सन 2002 में, सन 2002 कमिश्नरी प्रणाली समाप्त या खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं,
दान लीला के रचनाकार कौन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दान लीला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दान लीला के रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या के रचना की, कौन सी पुस्तकें लिखी और कौन सी पत्रिका लिखी, इसने क्या किया, ये इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो दान लीला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दान लीला के है पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है, तो गुंडाधुर को, किसे, गुंडाधुर को तात्या टोपे। और क्वेश्चन बनते हैं, छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी किसे बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी छत्तीसगढ़ के किस जिले में से थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से बिलोंग करते थे, तो ये थे राजनंद गांव से। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी गद्य लेखक के संस्थापक हैं, जो छत्तीसगढ़ी गद है, गद के लेखक के संस्थापक कौन थे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी गद के लेखक के संस्थापक पंडित लोचन प्रसाद पांडे थे। कौन थे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, छत्तीसगढ़ी गद लेखक के संस्थापक। नाम याद रखिए, इस तरह संस्थापक कौन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है, देखिए ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है, तो ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में स्थापित है। याद रखिए, तिफरा बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी आते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी में निम्न में से किस ऋषि ने तप किया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो सिहावा नगरी है छत्तीसगढ़ में, उसमें कौन सी ऋषि ने तप किया था, तो किया था श्रृंगी ऋषि ने। कौन सी ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने सिहावा नगरी में तप किया। माधव राव सापरे ने किस पत्रिका का संचालन किया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन, माधव राव सापरे ने किस पत्रिका का संचालन किया था, तो माधव राव सापरे ने हिंदी केसरी पत्रिका का क्या किया था, संचालन किया था। पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कौन से पत्रिका का संचालन किसने किया और किस सन में किया था, प्रथम कौन सी स्थान पर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देने वाला कौन था, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देने वाला कौन था, तो था शमशेर खान, काजी शमशेर खान। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें यह होता है वह सदस्य नहीं रहेगा जनपद का सदस्य नहीं रहेगा, इसे भी आप पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सरपंच और उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक में अनुपस्थित हैं तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है कौन है, देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका नहीं होता है, तो होता है उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, बाकी सरपंच पंच और जनपद पंचायत के सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से वोट के जरिए निर्वाचन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, तो करता है संचालक पंचायत, कौन करता है, संचालक पंचायत जनपद पंचायत पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से एक नहीं है, अब देखिए इसमें मुरिया, इरुलर, गोंड और धुरवा, इसमें से जो इरुलर जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं कहलाती। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर है टीकरा, क्या, टीकरा। बस्तर के ढलानों में टीकरा क्या पाई जाती है,
मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लंका जलप्रपात किस जिले में स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लंका जलप्रपात है वो कौन से जिले में स्थित है। तो लंका जलप्रपात बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़हर का अर्थ क्या है। बड़हर मतलब छत्तीसगढ़ी में बड़हर का अर्थ क्या होता है। तो इसमें होता है बड़हर का अर्थ बठेना। क्या होता है, बठेना को बड़हर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द झुलफुल्हा का अर्थ क्या है। जो छत्तीसगढ़ी शब्द है झुलफुल्हा, उसका अर्थ क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो देखिए, झुलफुल्हा का अर्थ होता है सूर्यास्त का समय। कौन सा समय, सूर्यास्त का समय, जिसे छत्तीसगढ़ी शब्द में झुलफुल्हा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र मत्स्यिकी महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। एकमात्र छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक ही मत्स्यिकी महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो यह है कवर्धा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ी मुक्ति मोर्चा का गठन किनके द्वारा किया गया, तो यह है शंकर गुहा नियोगी। नाम याद रखिए, शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ी मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में नगर पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो सभी 5 संभाग है उसके कौन से संभाग में नगर पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए, नगर पंचायतों की संख्या बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रसिद्ध इमली आंदोलन बस्तर क्षेत्र में क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मालिक मकबूजा कांड का संबंध है। जो मालिक मकबूजा कांड है किससे संबंध है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छे से याद रखिए। मालिक मकबूजा कांड, तो मालिक मकबूजा कांड का संबंध वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से है। किसके, वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से मालिक मकबूजा कांड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये है हसदेव नदी पर। हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है बस्तर में। कहाँ पे है, बस्तर में काजू अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए, ये जो है चौराहों का शहर, जहाँ बहुत से चौराहे होती है, किसे कहा जाता है, तो चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। गार्नेट खनिज पाया जाता है कौन से जिले में, तो देखिए, गार्नेट खनिज गरियाबंद एवं जसपुर में। कहाँ पे, गरियाबंद एवं जसपुर में गार्नेट खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्व पूनाराम निषाद पंडवानी के किस शैली के गायक थे। तो पूनाराम निषाद पंडवानी के वेदमती शैली के गायक थे। देखिए, पंडवानी की 2 शैली होती है, वेदमती शैली और कापलिक शैली। तो पूनाराम निषाद पंडवानी के वेदमती शैली के गायक थे। और ऋतु वर्मा जितने भी पंडवानी गायक है कौन सी शैली से थे, ये भी आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ कौन आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ था उस समय गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ कौन आए थे। तो गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ मौलाना शौकत अली खां जी आए थे। किसके साथ, गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बोला गया है, प्रथम साप्ताहिक मतलब सप्ताह में होने वाले समाचार पत्र है कौन से है इसमें से, तो देखिए, प्रथम होता महाकौशल। कौन है, महाकौशल प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। किसके द्वारा ये संपादक बनाया गया था, ये थे रविशंकर शुक्ल द्वारा। कौन से सन में, 1951। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, माडम सिल्ली जलाशय का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी पर हुआ है। ये देखिए, माडम सिल्ली जलाशय का निर्माण
सिलियारी नदी पे हुआ है। कहाँ पे? सिलियारी नदी माडम सिल्ली जलाशय। नाम को अच्छे से आप कंठस्थ याद रखिए, सिलियारी नदी माडम सिल्ली जलाशय। नेक्स्ट देखते हैं, कुटुम्ब सर गुफाओं का अन्वेषण किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कुटुम्ब सर की गुफा है उसका अन्वेषण किसने किया था, खोज किसने किया था, उसके खोजकर्ता कौन है? तो उसके खोजकर्ता है प्रोफेसर शंकर तिवारी। कौन है? प्रोफेसर शंकर तिवारी ने कुटुम्ब सर की गुफाओं का क्या किया था, खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हरेली त्यौहार किस महीने मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जितने भी त्यौहार होते हैं कौन से समय मनाया जाता है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हरेली त्यौहार श्रावण के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में निम्न में से किन तीन नदियों का संगम है। देखिए छत्तीसगढ़ में जिस स्थान पे तीन नदियों का संगम है उस स्थान को आप अच्छे से याद रखिए और उस नदी के नाम को भी याद रखिए, कौन सी नदी कहाँ पे मिली है। तो राज्य में जो संगम बनती है उसमें कौन कौन सी नदी है, तो उसमें है सेंडूर, पेरी और महानदी। ओके, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन गाइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।